अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करता हूँ आपको साइकोलॉजी रूट्स की एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वेबसाइट के अंदर, उसके हवाले से कि हमने आपके लिए और कौन कौन सी आसानियाँ पैदा की हैं, कौन कौन से नए सेक्शन स्टार्ट किए हैं कि जिसकी मदद से आप आसानी से साइकोलॉजी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन और बाकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो हमें लाजमी तौर पे फीडबैक दें कि हम आपके लिए और क्या क्या नई चीज़ें स्टार्ट करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ वीक स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, तो उससे पहले हमने ये सारी चेंजेस की हैं ताकि इस साल आपको नए से नए चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप गूगल में भी साइकोलॉजी रूट्स लिखेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट नज़र आ जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली साइकोलॉजी रूट्स डॉट कॉम के ऊपर जा सकते हैं और वहां से डायरेक्टली तौर पे हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब हमारी वेबसाइट के लुक पहले की नस्बत चेंज हो चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले हमारे होम पेज के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट, डिफरेंट कैटेगरीज और बाकी चीज़ें शो होती थी, तो अब ऐसा नहीं है। अब आपको सर्च इंजन दे दिया गया है डायरेक्टली तौर पे, जिसमें आप आके सर्च कर सकते हैं और आप हमारी एक वेबसाइट नहीं बल्कि चार ऐसे सेक्शन डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग वेबसाइट की शक्ल में मौजूद हैं, उन सबसे इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो दी गई है इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे डिविजन्स जो कैटेगरीज जो जिन चीज़ों के हवाले से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके हवाले से जानना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो वो आप हमसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो आप डोनेट के सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ मेंबरशिप्स चाहिए तो आप हमारे मेंबरशिप सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से मेन्यू सेम पहले की तरह ही है, उसके अंदर हमने कोई ऐसी चेंजेस नहीं की, वो वैसे का वैसा ही मौजूद है। एक्सप्लोर के अंदर वो सारी की सारी कैटेगरीज, सर्विसेज के अंदर उसी तरीके से वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि होम पेज का जो लेआउट है वो चेंज हुआ है, उसमें डायरेक्टली तौर पे आपको गूगल इनहेंस्ड जो सर्च इंजन है वो प्रोवाइड किया गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी सर्च करेंगे तो डायरेक्टली तौर पे आपको इनताई परफेक्ट सर्चिंग आपके टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो आप जिस तरीके से सिंपली सर्च कुछ भी करना चाहें, चाहे आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई स्केल लिख रहे हैं, तो भी सजेशन तो आपके पास आ जाएंगे और आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने अगर देखें तो यहाँ पे ही रिजल्ट्स वो शो हो रहे हैं, आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं और ये हमारे होम पेज के ऊपर ही है। अगर इससे नीचे अगर देखा जाए तो हम क्या क्या काम करते हैं, उसको दोबारा से होम पेज के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ हर वक्त अवेलेबल है आपकी काउंसलिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको काउंसलिंग सेक्शन के अंदर जाना, जो हम इस वीडियो के अंदर आगे जाकर देखेंगे। इसी तरीके से कोर्सेज का सेक्शन है, आपको कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, और इवन जो कोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें से अगर आप सेलेक्ट करते हैं, या कोई आप ऐसा कोर्स पढ़ना चाहते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम वो कोर्स जो है वो अवेलेबल कर देंगे। इसी तरीके से IRS है, IRS मीन फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड सपोर्ट। जिस तरीके से ये आपको एक्सप्लोर का सेक्शन नज़र आ रहा है, मोर देन 20 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको साइकोलॉजी के साथ जोड़े रखती हैं। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो स्केल, टूल्स, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, हम वो भी मटेरियल जो है बहुत जल्दी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर देते हैं। इवन आपकी क्यूरी के ऊपर बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं। वो आप डिपेंड करता है, अगर आप बेसिक मेंबर हैं, विजिटर हैं, तो उसके लिए हमारी मेंबरशिप डिफरेंट है, उसके लिए कितनी देर में आंसर आपको मिलेगा, और अगर आपकी दूसरी मेंबरशिप है तो आप कितनी देर में आपको आंसर मिलेगा वो आपको मेंबरशिप वाले पेज के ऊपर नजर आ सकता है। इसी तरीके से कम्युनिटी का सेक्शन मुकम्मल है, आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को मजीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो आपने कम्युनिटी सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर, तो आप डायरेक्टली तौर पे हमारी कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, जो कि हम बाद में इस वीडियो के आगे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप उसके अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा नीचे जाएँ तो यहाँ पे आपके सामने ये लेटेस्ट पोस्ट का स्लाइडर चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट
10 पोस्टर्स पोस्ट जो है, जो रिसेंट पोस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। आप इनको ओपन करके पढ़ सकते हैं, आप इस हवाले से हमें सजेशन भी दे सकते हैं, पोस्ट के हवाले से जो भी हम लिखते हैं उसके हवाले से। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना आप फीडबैक देंगे उतनी ही चीज़ों को हम पहले की नस्बत बेहतर करेंगे। उससे नीचे अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से कुछ एक के लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इनके ऊपर भी जाकर आप जो हैं हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो डेली बेसिस के ऊपर इनके शेयर होती रहती हैं तो उनको फॉलो अप कर सकते हैं। हमारी जो टॉप कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन यानी IRS IRS का जो कंसेप्ट है वो काम कर रहा है, तो वो टॉप कैटेगरीज जहाँ पे नीचे डिटेल के अंदर दी गई हैं, जिसके अंदर एडमिशंस है, एंगजाइटी से रिलेटेड आर्टिकल, असाइनमेंट, ब्लॉग, बुक्स, केस स्टडी, क्लिनिकल, कॉन्फ्रेंस, कोर्सेज, COVID-19, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एजुकेशन, इवेंट्स, फुल टाइम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, इंटर्नशिप, जॉब्स, MCQs, मीडिया, मेडिकेशन, मेंटल हेल्थ, मूवीज, न्यूज़, NGOs, अदर मीडिया, पार्ट टाइम, इसके अलावा प्रिपरेशन, रिसर्च, स्केल, स्कॉलरशिप, स्लीप, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, थेरेपी, थीसिस, टिप्स, टूल्स, ट्रॉमा, वॉलंटियर वर्क, वेबिनार, वेबसाइट, वर्कशॉप और राइटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको यहाँ से एक्सप्लोर के अंदर सेक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एजुकेशन के अंदर कोर्सेज, एडमिशन, इंस्टीट्यूशन और स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जिसके हवाले से प्रोवाइड की जाती है इवेंट्स, और ये एक तरतीब हायरार्की वाइज यहाँ पे आपको दिखे, लेकिन नीचे वो सारी की सारी प्रोवाइड की हैं आपकी आसानी के लिए। तो ये तो हमारा एक ऐसा बेसिक चेंज है जो कि आपको फ्रंट के ऊपर ही दिया गया है कि जहाँ से आप आसानी के साथ ये चीज़ें देख सकते हैं। अब अगर हम उसके अलावा डिवीजन्स के अंदर देखें तो DSM वाले पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम DSM के हवाले से अपडेट्स, बुक्स, इवन आपको जो लेटेस्ट जितने भी वर्जन्स आ चुके हैं DSM के, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से डिप्रेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड जो पोस्टें हैं, ट्रामा से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, तो वो आपको नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर सर्विसेज के हवाले से बात की जाए तो मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस हमारी डिफरेंट टिप्स ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो वीडियोस सेक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से काउंसलिंग कोर्सेज और कम्युनिटी, ये तीन हमारे अलग से जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, वो जिस शुरू में बात की ये अलग से हैं और इनको अलग से अब डिज़ाइन किया गया। पहले चूंकि ये इसके अंदर ही होते थे मेन वेबसाइट के अंदर, अब चूंकि हम चाह रहे हैं कि जितना भी काउंसलिंग से रिलेटेड है, जैसे डिसऑर्डर्स के ऊपर हम लिखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी थेरेपी से रिलेटेड है, टिप्स से रिलेटेड है, तो उसको अलग हम एक काउंसलिंग सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करें ताकि वो चीज़ें वो हाई हिडन ना हो, ताकि आप आसानी से उसको सर्च आउट करके पढ़ सके। इसी तरीके से कोर्सेज का वो आपको मालूम है, कोविड का जो है वो यहाँ पे ही है, कोविड से रिलेटेड जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जो प्रोवाइड की जाती है और कम्युनिटी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग से, अपने काउंसलिंग IRS सेक्शन को हमने देख चुके हैं जिसके अंदर आपको नजर आ चुका है हमारी पोस्टें हैं और उनके हवाले से आप देख रहे हैं कि जी सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, आपको हेल्प आउट कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है, इसमें ये आप देख रहे हैं कि क्विजेज वगैरह भी हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर हैं। आप इवन अपना नेम और ईमेल प्रोवाइड करके डेली ईमेल के थ्रू भी ये चीज़ें अपने उसमें हासिल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से नीचे पोस्ट के आखिर में भी है, अपना कमेंट लाजमी करें जो भी पोस्ट आप पढ़ें उसके हवाले से। तो अब जाते हैं हमने दूसरे सेक्शन के अंदर, IRS के बाद हम काउंसलिंग सेक्शन के अंदर जाते हैं। तो काउंसलिंग सेक्शन के हवाले से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। काउंसलिंग सेक्शन का नाम काउंसलिंग सेंटर हमने रखा है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप डायरेक्टली तौर पे अपॉइंटमेंट लें और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ आप डायरेक्टली सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पेजेस जो हैं फेसबुक के थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कपल काउंसलिंग से यानी कि रिलेशनशिप इशू से रिलेटेड है, इसी तरीके से एमरजेंसी जो होते हैं, ट्रामा रिलेटेड कंसर्न हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, स्ट्रेस रिलेटेड रिलीफ है उनसे रिलेटेड, फैमिली थेरेपी से रिलेटेड और भी दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आप हमसे काउंसलिंग देख सकते हैं। हम 2015 से अपनी फील्ड के अंदर
काम कर रहे हैं, और हमारे डिफरेंट लोगों के साथ और एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप इसमें अकेले नहीं है, अगर आप समझ रहे कि यार नहीं मैंने काउंसलिंग नहीं ली तो इस परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सबकी हम खास ख्याल रखते हैं कि किसी की कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट कॉन्फिडेंशियल ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाती है। हमारे बारे में आप जैसे मैंने बता दिया कि 2015 से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जर्नी को भी लिखा कि 2016 के अंदर हमने साहिल एनजीओ के साथ काम किया और उनके थ्रू हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि जो भी सेशन होते थे उनकी पेमेंट जो है फीस जो होती थी वो साहिल एनजीओ पे करती थी और क्लाइंट को फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया। 2020 में हमने रोजन के साथ काम किया। 2021 में से अभी तक हम मॉडर्न हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं। अभी एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को करती है लेकिन ये पेड है। इसी तरीके से 2022 से अभी हम रहनुमा के साथ काम कर रहे हैं, और ये चंद एक हाईलाइट्स हैं जो कि हम इस तरीके से काम प्रोवाइड जो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, बॉडीज के साथ, होम स्वीट के साथ हमने काम किया और बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा। उसमें से अप्रॉक्सीमेट जो हैं 1250 प्लस क्लाइंट है हमारे पास जो इस पूरे अरसे के दौरान गुजरे। उनके अंदर अप्रॉक्सीमेट 5000 आवर्स इन्वेस्टेड हुए, जिसमें से 500 क्लाइंट्स जो हैं प्लस क्लाइंट्स वो प्रॉपर हील्ड हो चुके हैं। और 5 ऐसी लोकेशन है जिनके ऊपर हम ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ सवालों जवाब हमने दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके लिए बताया हुआ है कि इस फोन नंबर के ऊपर या वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। इसी तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो हाउ विल माई ट्रीटमेंट गो फार ऑन, इट बेस्ड ऑन सिचुएशन कि आपकी क्या सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन एवरेज जो नॉर्मली सेशन होते हैं वो 5 to 6 होते हैं। थेरेपी आपके लिए, थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो इंतहाई इफेक्टिव होता है और बड़ा अच्छा वर्कआउट करता है। तो ये आपके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिलेशनशिप और इनके हवाले से बड़ा इफेक्टिव है। अगर बात की जाए काउंसलिंग किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो काउंसलिंग जो है हम वन ऑन वन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑफिस विजिट आप हमारा कर सकते हैं। टेलीफोन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके चार्जेस की बात की जाए तो चार्जेस में हम जो हमारे चार्जेस हैं वो इंडिविजुअल सेशन एज इंटरनेशनल अगर क्लाइंट है तो $15, और अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो 2000 से 3000 उनको चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कि उनको कोई कूपन अवेलेबल है कि नहीं है। ग्रुप थेरेपी $35 पर सेशन, इसी तरीके से रिलेशनशिप $15। आपको कोई भी सवाल है तो आप आस्क मोर के ऊपर जाके हमारी कम्युनिटी के अंदर आप वो सवाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा काउंसलिंग। इसी तरीके से आप हमारे सर्विसेज जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉग्स डिसऑर्डर और थेरेपी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से आगे हमारे तीनों सेक्शन एक्सप्लोर, जो आयरस मैंने कहा, कोर्सेज और कम्युनिटी मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन के अंदर। दूसरे सेक्शन के हवाले से मुतारफ कराना वो कोर्सेज है कि कोर्सेज जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे साइकोलॉजी रूट्स की टीम आपके लिए प्रोफेशनली प्रिपेयर कर रही होती है डिफरेंट कोर्सेज, और वो कोर्सेज जो हैं आप फ्रीली और कुछ पेमेंट माइनस पेमेंट के ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई कोर्स खुद भी पढ़ा सकते हैं तो आप इवन ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली कोर्सेज को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं वो असेसमेंट, क्लिनिकल काउंसलिंग, DSM और जर्नल्स हैं। जो अभी तक कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं उनमें पैनिक डिसऑर्डर MCQs हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कोग्नेट CBT है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्सेज, हम उसके हवाले से मज़ीद जो कोर्सेज हैं उनको स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा मेन सेक्शन एक एजुकेशन के हवाले से पहले मेन वेबसाइट पे था, जिसमें एडमिशंस के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो साइकोलॉजी ऑफर करती हैं, स्कॉलरशिप के हवाले से, वो सारे के सारा इंशाल्लाह अभी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर आप उसको देख सकेंगे। इसी तरीके से आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली तौर पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आप एज अ हमें इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी कोर्स अपना जो है यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर यही है कि आप जो भी कोर्स पढ़ाएंगे, अगर पेड कोर्स होगा तो 25% जो है वो प्लेटफॉर्म को जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट के जमरे में, बाकी जो है वो आपको यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है उसको जाएगा सारा जो है वो A to Z जो है वो
ट्रांसपेरेंट होगा, आपको पता चला होगा कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और ट्रेनिंग भी हम देते हैं कि जी आप किस तरीके से अपने कोर्सेज बना सकते हैं। अब चौथे और आखिरी सेशन की सेक्शन की तरफ या डिपार्टमेंट की तरफ हम चलते हैं, और वो है हमारा कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी एक ऐसा सेक्शन था कि जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती थी कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो मुख्तलिफ सवाल जवाब हमें आते थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेक्शन दरमियान में रखा जाए कि जिसमें अगर लेट्स सपोज आपका सवाल आया है तो उसके ऊपर आंसर करिए, तो नेक्स्ट अगर किसी और का सवाल है वही, तो वो बजाय इसके कि दोबारा से सवाल पूछे तो डायरेक्टली तौर पे इसमें कर सके। और अगर दूसरा जो कोई दूसरों की मदद करना चाहता है और वो चाहता है यार मैं भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपना रोल प्ले करूँ, तो वो भी डायरेक्टली तौर पे आके इसके अंदर आंसर कर सके। तो इस नज़रिए को बेस आउट करके हमने ये प्लेटफॉर्म रखा बनाया, और इसके अंदर डायरेक्टली तौर पे यहाँ पे साइकोलॉजी रूल्स जिसमें हम अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से अनाउंसमेंट और ट्यूटोरियल्स शेयर करते हैं, उसके साथ साथ हमारा रिसर्च डेस्क के हवाले से है कि रिसर्च के जितने भी सेक्शन हैं उनको यहाँ पे कवर, आपको टॉपिक आइडिया चाहिए, आपको कोई आर्टिकल थीसिस चाहिए, आपको कोई स्केल क्वेश्चन या टेस्ट चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर रिजल्ट या डिस्कशन से रिलेटेड या प्लेजरिज्म प्रूफ रीडिंग और रेफरेंस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वो सारे के सारा आप इनके अंदर आके सिंपली रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिनिकल काउंसलिंग और साइकोथेरेपी है, आप इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहें, जर्नल क्यूरीज या डिप्रेशन और ट्रामा से रिलेटेड है तो आप इनके ऊपर अगर करना चाहते हैं तो भी आप आके कर सकते हैं और उसको स्टार्ट। इवन आप चाहते हैं यार यहाँ पे मेरे उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जिस जो मैं सोच रहा हूँ वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए जर्नल क्यूरीज का इस हवाले से रखा हुआ है तो आप उसमें डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं अलग से वो प्लेटफॉर्म हो, एक अलग से फोरम हो, ग्रुप हो, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली तौर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जर्नल फोरम्स हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें डेली बेसिस के ऊपर आज हिस्ट्री की डेट में जैसे 23 सितंबर को हिस्ट्री में क्या हुआ है वो यहाँ पे मेंशन है। आप उसमें अगर आपको कोई चीज़ मालूम है 23 के हवाले से किसी भी डेट के हवाले से आप सिंपल उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो भी डेट है उसको सर्च आउट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जाएं और उसका टाइटल जारी बात आप देखेंगे और उसके बाद आप लॉगिन होके यहाँ पे इसके नीचे रिप्लाई कर देंगे। जैसे रिप्लाई करेंगे तो वो भी डेट ये देख रहे हैं कि 1952 के अंदर क्या हुआ, 1910 के अंदर क्या हुआ, 1993 के अंदर क्या हुआ, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एमसीक्यूज का हमने पूरा दिया कि जी मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से हैं, तो एमसीक्यूज और उनके आंसर यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर दो नए एमसीक्यूज यहाँ पे डाले जाते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। इसी तरीके से बुक्स से रिलेटेड है तो बुक्स में देखें कि ए टू जी बुक्स, बायोलॉजिकल एडिक्शन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल, आपको कोई भी बुक चाहिए आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट करें आपको बुक मिल जाएगी, यानी कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली पर्पज ये था कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रखा जाता। तो ये तो एक शार्प सा ओवरव्यू मैंने दिया आपके साथ साइकोलॉजी रूल्स के हवाले से और इसमें क्या क्या नई तब्दीलियाँ आई, क्या क्या आसानियाँ आपके लिए पैदा की गई। आप खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन आप खुद इसको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल है, क्या आप हमें फीडबैक दें कि क्या चीज़ है जो हमें चेंज करनी चाहिए आपके लिए मज़ीद आसानी के लिए। जितना आप हमारे साथ पार्टिसिपेटरी रहेंगे उतना ज़्यादा हम इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे, जितने आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे, जितने आपकी सपोर्ट हमें रहेगी उतना ही अच्छा तरीके से हम इसको आपके लिए डिज़ाइन कर सकेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके वो जितने भी सवाल और जवाब हैं जो जहन के अंदर आते हैं उनका आंसर हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे आपके जो मज़ीद सवाल आते हैं उससे रिलेटेड, और जो हम पहले जॉब से रिलेटेड डिस्कस करते हैं जब भी कोई जॉब आती है उस हवाले से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और भी एक सेक्शन मज़ीद स्टार्ट करेंगे ताकि आपके साथ हमारा इंट्रैक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही रहे, उसको हम मज़ीद अफेक्टिव और मज़ीद जो है प्रोडक्टिव कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।